नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सुबोध डिजिटल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पैन कार्ड स्टेटस कैसे चेक करना है। इस वीडियो में आपको बताएंगे, जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपना पैन कार्ड बनाया है तो आप कैसे अपना स्टेटस चेक करेंगे, आपका पैन कार्ड बना है या नहीं बना है कैसे आप पता करेंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। दोस्तों आपका पैन कार्ड बन गया है तो आपका जो है डिस्पैच कर दिया जाएगा, अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो आपको इंतजार करना होगा। इस वीडियो में हम आपको तरीका बताएंगे किस तरीके से आप चेक करेंगे आपका पैन कार्ड बना है कि नहीं बना है, कैसे आपको जानना है। इस वीडियो में आपको बहुत आसान तरीका और सिंपल तरीका आपको बताएंगे जिससे आप अपना पैन कार्ड स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, हम आपका रिप्लाई देंगे और आपको जवाब देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पैन कार्ड स्टेटस चेक करने के लिए आपको सबसे पहले गूगल ब्राउजर में सर्च करना है पैन कार्ड स्टेटस। आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन टाइप में क्लिक करना है और यहाँ पे न्यू चेंजेस, अगर आपने न्यू पैन कार्ड बनाया है तो ऊपर में ऑप्शन है और 10 है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ही ऑप्शन आपको भी सेलेक्ट करना है क्योंकि आपने न्यू पैन कार्ड बनाया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है देखिए ध्यान से, यहाँ पर बताया जा रहा है एक्नोलॉजमेंट नंबर, ये आपको टाइप करना होगा इस वाले बॉक्स में। तो आपको जब पैन कार्ड बनाए थे तो वहाँ पे रिसीविंग नंबर मिला होगा, उसमें एक नंबर लिखा रहता है। अगर आपको नहीं मिला है तो जहाँ से आपने पैन कार्ड बनाया है वहाँ से जाकर के आप मांग लीजिएगा कि मुझे अपना स्लिप नंबर दे दो, मुझे चेक करना है, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन बनाया है तो आपको SMS में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो भी आपका नंबर है उसको यहाँ पर एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड इंटर करना है जो कि इस बॉक्स में दिख रहा है। हालांकि ये कैप्चा कोड सही से नहीं दिख रहा है, तो देखिए मैं इंटर करता हूँ J, उसके बाद N और DUR, ठीक है। मैंने कैप्चा इंटर किया और सबमिट पे क्लिक करेंगे। जब मैंने कैप्चा इंटर किया तो यहाँ पे आ गया है पैन कार्ड स्लिप नंबर यहाँ पे, और इंडिविजुअल पैन कार्ड हमारा बना था, ठीक है। उसके बाद देखिए बताया गया है योर पैन कार्ड हैज़ बीन डिस्पैच 21 को, तो पैन कार्ड आपका यहाँ पे डिस्पैच अगर हो गया है तो यहाँ पे बताएगा डिस्पैच हो गया है, अगर डिस्पैच नहीं हुआ तो यहाँ पे आपको लिखा होगा आपको वेट करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर पैन कार्ड डाक द्वारा भेज दिया गया है तो यहाँ पे डाक का भी लिखा रहेगा। इस पैन कार्ड को एयर व्हील द्वारा सेंड किया गया है स्पीड पोस्ट द्वारा, तो ये पैन कार्ड बन चुका है स्पीड पोस्ट द्वारा सेंड किया गया है। तो ये कंपनी है जो कि इंडिया पोस्ट है, तो स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया है, ठीक है। और ये डिस्पैच भी हो चुका है। अगर आपका नहीं बना होगा तो यहाँ पे आपको डिस्पैच का ऑप्शन नहीं आएगा, तो आपको समझ जाना है कि अभी पैन कार्ड नहीं बना है। और यहाँ पे पैन नंबर भी आपको मिल जाता है, पैन नंबर नहीं मिलेगा तो आपको इंतज़ार करना होगा। पैन कार्ड बनने में, पैन कार्ड नंबर आपको मिलने में लगभग 7 दिन का समय लगता है और आपके घर तक पहुंचने में 14 दिन का टाइम लगता है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको 21 दिन का लगता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन का टाइम लगता है। कोई एड्रेस कोई गलत हो गया है तो इसके वजह से ज़्यादा समय लगेगा, लेकिन एड्रेस सही है तो 21 दिन के अंदर आपके घर तक पैन कार्ड पहुँच जाता है और 7 दिन में पैन कार्ड नंबर आपको मिल जाता है SMS के माध्यम से, या फिर स्टेटस में पैन नंबर देख सकते हैं। 7 से 14 दिन में आपको डिस्पैच का भी मैसेज यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पैन कार्ड आपका बना है कि नहीं आप मुझे बताइएगा।